दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 12012 का जो है एक पावर सप्लाई बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें कि हमें 12+ पॉजिटिव और 12- और एक ग्राउंड चाहिए होता है। तो बेसिकली ये कहाँ पर यूज़ होता है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि हमारे जो होम थिएटर बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो है 12012 की पावर सप्लाई यूज़ होती है, और 18018 की भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम जो है नॉर्मल ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, तो उससे तो हम बना सकते हैं, और ये जो है डीसी से चलता है और ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर एसी देता है। तो हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर उसे डीसी तो कर लेते हैं, बट जो है यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ये 12012 किस तरीके से बना है। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा, जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, एक एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले तो जो है आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। ठीक है, 12012 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चाहिए होगा। ये मेरे पास है तकरीबन 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, तो आप जो है 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो ये बोर्ड है ये 2 एम्पेयर तक जो है चल जाता है, तो उस हिसाब से हम जो है इसको डिज़ाइन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो है 2.1 होम थिएटर बोर्ड जो है 2 एम्पेयर से जो है काफ़ी अच्छे से चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो वहाँ पर 3 एम्पेयर यूज़ हो, जहाँ पर 4 एम्पेयर हो यूज़ हो, वहाँ पर जो है आप बड़ा ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि 12012। ठीक है, 12 को अगर आप डबल करोगे तो कितने वोल्टेज हो जाते हैं, 24 वोल्टेज। ठीक है, 12 को डबल करने पर 24 वोल्ट होते हैं। तो 24 वोल्ट का तो हमें कैपेसिटर यूज़ नहीं करना है, हमें करना है 25 वोल्ट। जैसे कि आप देख सकते हो ये है 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड, तो सेम यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको करना ये है कि जितना जो हमारा आपका ट्रांसफार्मर है, जैसे कि आपको जो है ये जो है 12012 का है, तो हमें 25 करना है, क्योंकि जो 12 के डबल होते हैं 24, तो 24 से हमें ज़्यादा ही करना है। ओके, और अगर आपके पास 18018 का है, तो 18 को अगर आप डबल करोगे तो 36 हो जाता है। तो आपको 36 नहीं, तो आपको आपको जो है 36 यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है 35, तो आप 35 यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह आप 50 यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यूज़ करना है। आप ये जो है 2200 माइक्रोफैरड का भी यूज़ कर सकते हो, 25 वोल्ट 2200 का भी यूज़ कर सकते हो, 1000 से आप ऊपर माइक्रोफेराइड का यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पर मैं 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेराइड का यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़िलहाल के लिए इसे साइड में रखते हैं। मैं आपको जो समझाने के लिए ये सब चीज़ रखी थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है रेक्टिफायर आते हैं, आपको वो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से रेक्टिफायर आते हैं। कुछ आपको मैं वो जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग तरह के रेक्टिफायर पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, तो सभी का वर्क अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ कोई कम एम्पेयर वाला है, कोई ज़्यादा एम्पेयर वाला है, आपको सुटेबल लगाना है जो कि उसके लिए परफेक्ट रहे। तो यहाँ 1 एम्पेयर वाला ये डायोड है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो है काफ़ी हैवी है, तो इसको अभी इग्नोर करो। और इसके बाद से जो है 5408, जो कि 3 एम्पेयर वाला डायोड है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद से जो है ये भी 1 से 1.5 एम्पेयर वाला है। तो मतलब कि आपको ये देखना है कि आप सिंगल सिंगल डायोड को जोड़ के ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो, या फिर ये बना बनाया, ये जैसे कि देख सकते हो ये दोनों बने बनाए हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों बने बनाए यूज़ करने, तो भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप खुद से बनाकर भी यूज़ करते हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एनोड एंड कैथोड होते हैं, तो इस तरीके से आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो। ये देख सकते हो, ये जो सिल्वर पट्टी है एनोड है, और जो ब्लैक पट्टी है कैथोड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, कैथोड वाला। और ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको सिंपली सा करना क्या होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है दो सिल्वर पट्टी एक साथ, मतलब कि इस तरीके से दो सिल्वर पट्टी एक साथ कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, जैसे नॉर्मल ब्रिज रेक्टिफायर आप बनाते हो उस तरीके से, और दो कैथोड एक साथ कर देने हैं। ठीक है, ब्लैक पट्टी एक साथ कर देनी है, तो एक यहाँ पर
ब्लैक पट्टी रह जाएगी, एक सिल्वर रह जाएगी, तो एक साथ कर दिया उसे, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर एक ब्लैक और एक सिल्वर। तो कहने का मतलब है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से जो है हम एसी वायर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर तो आपको बनाना आता होगा, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, बना बनाया। देखिए इसमें भी ऐसी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एसी का लाइन है, एसी का लाइन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दो एसी का लाइन। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से है, ये बना बनाया आता है और ये ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है, और ये जो है छोटे में है। ठीक है, हमने खुद से बनाया है, तो मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आपको अगर नहीं बनाने आता तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस हमारा ये रहेगा। आप देख सकते हो कैपेसिटर में एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव इंडिकेशन होता है, पॉजिटिव में कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा। तो हमें क्या करना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को कुछ इस तरीके से रख कर जो है इस और इस वायर को हमने एक साथ कर देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को रख के जो है इन दोनों वायर्स को एक साथ कर देना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से जो है मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव को अटैच कर दिया है। अब जो है आप देख सकते हो ये रेक्टिफायर है, इसमें जो है हमें करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है सिल्वर वाला पॉजिटिव है, तो इसको जो है पॉजिटिव के साथ लगाएंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ लगाएंगे, ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि सेम ही है। आपको बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। ओके, तो ये देख सकते हो ये यहाँ पर जो है ये दो लेग एसी वाले हैं, इनको हम ऊपर कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके से शोल्डिंग कर देनी है। तो ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम शोल्डिंग कर लेते हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा दी, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा दिया। अब जो है हमारे दो वायर रह गए एसी वाले, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको हमें इस तरीके से बेंड कर दिया, यहाँ पर जो है 12 और 12 के लगा देंगे वायर, यहाँ पर जीरो वाला वायर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा 12 0 12 का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आते हैं बारी ट्रांसफार्मर पे। तो ये रहा ट्रांसफार्मर, तो जो बीच वाला वायर है ये जीरो वाला वायर है और ये 12 12 के वायर्स हैं। तो इसे भी एक बार से कर लेते हैं सेट। तो यहाँ पर जो है हमने वायर कनेक्ट करने हैं, एक 12 वाला जो वायर है हमने ये एसी वाले लाइन पर कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और ये वाला दूसरा भी एसी वाला वायर जो है हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो है एक जीरो वाला वायर रह गया है, तो जीरो वाले वायर को हमने यहाँ पर बीच में कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो हमने 12 और 12 वाले वायर यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं और जीरो वाला वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें किस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगी आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर 12 प्लस मिलेगा और यहाँ पर 12 माइनस मिलेगा, और ये हमारा रहेगा ग्राउंड। तो और यहाँ से हम इन करेंगे, तो आपको मैं थोड़ा सा चेक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है ये हमें आउटपुट दे रहा है। तो एसी वाले वायर लगा दिए हैं दोस्तों, अब हमें चाहिए होगा मल्टीमीटर जहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर पाएँ। तो यहाँ पर रख देते हैं मल्टीमीटर, तो हमने डीसी पे कर दिया है। अब जो है आपको मैं वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये है ग्राउंड, तो मल्टीमीटर का निशान देखना। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव पे लगाया, तो 12.76 जो है पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो अगर मैं दूसरी साइड लगाता हूँ तो माइनस में मिल रहा है 12.56, ये माइनस में मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं दोनों को अगर एक साथ करूँ तो देख सकते हो 24 वोल्ट मिल रहा है हमें। ठीक है,
और यहाँ पर जो है 12 प्लस और यहाँ पर 12 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एक अच्छा सा जो है पावर सप्लाई बना सकते हो 12012 का। सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। आपको जो है अपने ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग जो है ये कैपेसिटर यूज़ करना है और रेक्टिफायर यूज़ करना है। जितना बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उतना बड़ा रेक्टिफायर यूज़ करना है, क्योंकि जो है लोड में दिक्कत होगी। अगर छोटा रेक्टिफायर लगा दोगे और ट्रांसफार्मर बड़ा होगा तो लोड के हिसाब से जो है ये ख़राब हो जाएगा। उसी तरीके से रेक्टिफायर का भी फंडा है। तो सारा फंडा मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो।